सुनसान कैसे मिले थे? ये सुनसान कोराना जी जैसे है और काफ़ी वक्त नहीं आ रही है कुछ नाते के लिए, काफ़ी तकलीफ है उसमें। मैं बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ कि भक्त जल्दी स्वस्थ हों और भैया भगवान कृष्णनाथ का आशीर्वाद मिले, इसलिए भोलेनाथ स्वयं दर्शनार्थ होते हैं। जय भोलेनाथ। अच्छा, ये आपका जो श्रद्धालु देखते हुए आपका धंधा कैसा चल रहा है? हमारा तो ठीक है, बाबा बटेश्वरनाथ का आशीर्वाद है, जो कुछ मिल जाता है पान फूल उसी को हम स्वीकार करते हैं और यही बाबा से हम प्रार्थना करते हैं। ये जो भारत में जो इस विश्व में संकट की घड़ी जो संकट की घड़ी है वो भोलेनाथ तुरंत इनको समाप्त करें और नई ऊर्जा, नई उमंग और नए भारत में सब काम संचालन हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा बटेश्वरनाथ से। यही मेरी कामना है कि भगवान का भगवान भोलेनाथ साक्षात सबको दर्शन दे। हाँ महाराज, क्या नाम है आपका? बालदास। आज क्या सुनसान कैसे मंदिर में? बहुत बढ़िया है, हम दर्शन कर गए चले आते हैं, घाट नारायणी जाए गए थे, तब श्री बाबा की कृपा है गुरु की, तो दर्शन को चले आते हैं। आज सुनसान कैसे मंदिर में? घाट पर सिद्ध बाबा का मेला है तो जनता मैं जा रहा हूँ। कोरोना वायरस के चलते जो है लोगों का, श्रद्धालुओं का मंदिर पे आना जाना बंद है, लोग कम आ जा रहे हैं घरों में, लोग अपने लिए कोरोना की भैंसी कैद हो गई है। यह एक ऐसा वायरस है जो पूरे मानव जाति के लिए पूरे विश्व में खतरा बना हुआ है, इस खतरे को देखते हुए लोग कम संख्या में आ रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ आज बहुत बिल्कुल सुनसान सा है। आपने कोरोना के बचाव के लिए कोई उपाय किए हैं या सरकार ने बताया है? ऐसा है, कोरोना के बचाव के लिए ऐसे दूरदर्शन के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सभी को मालूम है कि आदमी से जो बात की जाए वो कम से कम 1 मीटर दूरी से की जाए, गर्म भोजन किया जाए, चाय का ज़्यादा सेवन करें और इसका उपचार है केवल मनुष्य का बचाव। बचाव के लिए लोग जागरूक हैं और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें भी बताया जाता है कि आप आपस में बिल्कुल बिल्कुल शरीर से सट के बात नहीं करें, पास खड़े नहीं हो किसी से, 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी से बात करें। इस पे पूरे में आप पे कोई असर पड़ा है इस धंधे पे? कोरोना से श्रद्धालुओं का आना जाना कम होने से दुकानदार और जो पूजा सामग्री है उन सभी पर इसका असर है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।